आज की हमारी वीडियो में जो फिक्रात शामिल है उनका ताल्लुक घर में इस्तेमाल होने वाली मशीन से है या अप्लायंसेस से है और उनके मुतालिक हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो बहुत आम इस्तेमाल करते हैं घर में, चूल्हा बंद करो। सो इसके लिए हम यूज करेंगे टर्न ऑफ द स्टोव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पंखा बंद करो, सेम टर्न ऑफ द फैन। इसके अलावा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लाइटें चला दो या लाइटें ऑन कर दो, सो सिंपल टर्न ऑन द लाइट्स। ओके, जब हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर ऑन करें या कंप्यूटर चलाएं तो सिंपली हम इस्तेमाल करें टर्न ऑन द कंप्यूटर। ओके, इस तरह समटाइम जो हम गाड़ी का इंजन ऑन रखते हैं और हम कहते हैं इसको बंद करें तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं गाड़ी का इंजन बंद करो, तो इंजन के लिए हम इस्तेमाल करें टर्न ऑफ द इंजन। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास मेरी घड़ी ठीक कर दो, सो इसके लिए हम यूज करेंगे वाइंड माई वॉच। घड़ी का वक्त ठीक करो, सो सेट द क्लॉक टाइम। वो सिलाई मशीन पर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन सिलाई मशीन। नेक्स्ट है मशीन गर्म हो रही है, कोई भी मशीन है अक्सर इस्तेमाल के दौरान गर्म हो जाती है और हम उसके यूज करेंगे मशीन इज गेटिंग हॉट। ओके, माइक्रोवेव में खाना गर्म करो, वार्म द फूड इन माइक्रोवेव। इस्त्री गर्म है, आयरन इज हॉट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंजन ठंडा होने दो, तो इसके लिए होगा लेट द इंजन बी कूल। ओके, एक चीज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पेच कस दो, पेच लगा दो, सो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिक्स द स्क्रू। नेक्स्ट हमारे पास इंजन खराब हो गया है, द इंजन इज ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है टायर खराब हो गए हैं, सो टायर्स आर वर्न आउट। क्लच खराब हो गया है, तो सो सिंपल क्लच इज गॉन। मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मोबाइल इज नॉट गेटिंग पावर या मोबाइल इज नॉट गेटिंग ऑन। ओके।